आज हम लोग उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो निर्णय लिया गया है उससे आहत होकर ये मीटिंग किए हैं। मीटिंग के दौरान आज सवेरे हमको जानकारी मिली कि हम सभी ओबीसी के समस्त जिलाध्यक्ष से सूचना के आधार पर हम लोग शाम को यहाँ इकट्ठा होंगे और एक रणनीति जो पिछड़ा वर्ग के खिलाफ हुआ है उस पर अपन चर्चा करेंगे। ये सब जो हुआ कोई अचानक नहीं हुआ है, इसके पीछे एक सोची साझी समझी रणनीति है। कुछ समय से आप लोग सोशल मीडिया और सारी चीजों में देखते आ रहे हैं कि आरक्षण को लेकर सवर्ण वर्ग के लोग आरक्षण को लेकर सोशल मीडिया में कई प्रकार की बातें करते आए हैं और आरक्षण हमको चाहिए, उसके लिए भी हम लोगों ने आंदोलन किया है। पर आपकी जगह कहाँ है और उनकी जगह कहाँ है इसका आकलन हम लोगों को नहीं। ओबीसी के नाते से अगर हम रीवा या मध्य प्रदेश या विंध्य प्रदेश में देखें या उत्तर प्रदेश बिहार में देखें तो जो सबसे बड़ा भाई है इसका ओबीसी का, वो आज इस चीज के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार है। ये मेरा खुद का मानना है। जैसे ओबीसी का बड़ा भाई यहाँ पे पटेल कुर्मी समाज है, वो अपने आप को सामान्य से कम नहीं माना। गांव में अगर परिस्थिति अगर आप देखोगे, आपकी भी वही भावना रही जो सामान्य वर्ग के लोग की रही कि हमारे गांव का हमसे नीचे का जो भी विश्वकर्मा रहेगा, कुशवाहा रहेगा, सेन समाज रहेगा, वो अगर मेरे घर में कप चाय पिएगा तो कप धोएगा। और ये भी भावना रही है कि विश्वकर्मा समाज का अगर कोई बुजुर्ग 60 साल का व्यक्ति है और मैं 18 साल 20 साल का व्यक्ति अगर राजनीति करता हूँ या उस गांव का प्रमुख व्यक्ति हूँ तो मेरी भी लालसा है कि वो विश्वकर्मा 60 साल का आए और मेरा भी पैर छुए। इसकी प्रमुख जड़ ये है। हम लोगों ने यहाँ पे सबसे पहले गलती की, ये मेरा खुद का मानना है। हमसे कोई कनेक्टिविटी नहीं है, ना तो हम जो चार वर्ण बने हैं, ना तो हम सवर्ण हैं बन गए, ना तो हम शूद्र बन पाए। अगर हम शूद्र अपने को कहें तो हम अपने आप को अलग कर लेते हैं कि नहीं, हम शूद्र नहीं हैं, आपकी गिनती कहीं पे नहीं है, ना आपको ओबीसी के नीचे वाला व्यक्ति मान रहा, ना एसटीएससी मान रहा और ना ही आज ब्राह्मण ठाकुर आपको मान रहा। इसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। मेरी बातें गलत हो सकती हैं कि आप लोगों को बुरा लगे, आप लोगों ने इस चीज की शुरुआत की। उत्तर प्रदेश में यादव बड़ा भाई है, बिहार में यादव और पटेल भी बड़ा भाई है, उनने भी यही गलती की। आज हमारी जनसंख्या कितनी है, कभी बहुजन समाज पार्टी काशीराम ने एक पार्टी खड़ी की थी, उस समय 1585 का एक नारा दिया था, 1585 के नारे में लोग इकट्ठा हुए और अपनी शक्ति को जाने और सांसद और विधायक हुए। लेकिन आप और हम इतना प्रफुल्लित हो गए, इतना अपने आप में गुमवान आ गया कि हम लोगों ने वो सारी चीजें खत्म कर दी। आप अपनी ताकत देखो, आज कितना ज्वलंत मामला आपके सामने आया है कि आने वाली पीढ़ियों को कोई पद नहीं मिलने वाला है। आज अगर अशोक पटेल वार्ड क्रमांक 15 के पार्षद हुए हैं तो आरक्षण के कारण हुए हैं। हमको भी टिकट मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, वो आरक्षण के कारण हुआ था। मैं भी चुनाव लड़ने का प्रयास किया, हमारा वार्ड 2019 में जिला का जब मैं प्रयास किया तो पिछड़ा था। सारे लोग बड़ा खुशी से, सामान्य वर्ग के लोगों ने
उत्साह से बोला कि मैं आपका साथ दूंगा। जिस दिन वो 2014 में आ गया, वही लोग बोलते हैं अब आपका आरक्षण यह नहीं है, सामान्य हो गया है, मतलब वो मेरा आरक्षण है, सामान्य हो गया है मतलब उस पर आप नहीं लड़ो, मुझे लड़ने दो। सबसे पहले हमें अपना आपको देखना पड़ेगा और आपके नीचे की जो जातियां हैं उनको मानना पड़ेगा कि वो मेरा भाई है और उनको जोड़ना पड़ेगा। और जैसे अभी दिनेश भाई ने बोला कि ज्ञापन से कुछ नहीं होने वाला है, बात बिल्कुल सत्य है कि ज्ञापन से कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए कि जिस जगह से निर्णय होना है वहाँ आपकी संख्या कुछ नहीं है और आपकी बातों को वहाँ पहुँचने का कोई मतलब भी नहीं है। अगर आप कुछ कर सकते हो तो जैसे अभी आर्यन पटेल साहब ने बोला, अगर ऐसा कुछ कर सकते हो तो कर लो, है असंभव, है असंभव, क्योंकि हम लोग इकट्ठे नहीं हैं, हम लोग संगठित नहीं हैं, हम लोगों की ताकत नहीं है। उमेश जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपने कितने संगठनों से बात की, कितने लोग आए हैं उस संगठन से? चार संगठन से, ये हमारी सफलता है। लेकिन हमें इस बात को मानना पड़ेगा कि मेरा परिवार है, मेरा भाई है, तो और लोग जुड़ेंगे तभी हमारी ताकत बनेगी। अगर आप त्याग का कारण नहीं कर सकते हो तो एक मुहिम खड़ा कर सकते हो, मुहिम ऐसे खड़ा कर सकते हो कि फिर ओबीसी के व्यक्ति को ही जिताने का काम करो, दूसरे का नहीं करो। अगर इतनी ताकत आप में है तो कर सकते हो। मैं एक कार्यक्रम में था झलवार में, सरदार पटेल की 31 तारीख की जयंती है, भाई साहब एक भाषण दे रहे थे, वो आए हुए हैं सौभाग्य से इस मीटिंग में। उस मंच के द्वारा भाई साहब ने भाषण दिया था, बहुत अच्छा भाषण था, पर वो भाषण उस जगह के लायक नहीं था। वो भाषण अगर भाई साहब की जो भावना है वो अगर अंदर अंदर उस भाषण को ले जाएं और नीचे तक उतारें तो बहुत अच्छा होगा। वो भाषण क्या दिए थे, उनकी भावना क्या है, वो बैठे हैं, हम उनका भाषण और उनकी भावना यहाँ सुनना चाहेंगे। उमेश जी बहुत अच्छा बोल रहे थे, लेकिन मंच में बोल रहे थे उससे हमारे समाज का विरोध ही होना था, फायदा नहीं होना था। मैंने वहाँ पे विरोध भी दर्ज कराया था। बैठे हुए हैं भाई साहब, आएंगे, है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पहले तो हमें अपने आप को सुधारना पड़ेगा कि जो सेन समाज है, कुशवाहा समाज है, वो मेरा परिवार है। अगर वो उसका बड़े का अगर सम्मान हम करना चालू कर देंगे अवश्य ही वो हमसे जुड़ेगा और हमारी ताकत बनेगी। धन्यवाद, हमको जितना बोलना था भैया दिमाग